चीफ, पोमैन के बारे में पता चल चुका है, वो अर्थ पे है, अब क्या करें? मैं उससे खुद मिलने जाऊंगा। आपको पहले भी कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं ओशी में से शादी नहीं करूंगी, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, समझ गया? अच्छा ये बताइए, क्या ये नेकलेस आपको किसी ने? उनके फोन पे रिंग बजती है और वहाँ से एक आदमी बोलता है, मुझे कोई इंसान दिखा है जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है, क्या आप लोग बता सकते हैं वो कौन है? मिर्चो का रोबोट कहता है, हाँ हम बता सकते हैं, प्लीज़ आप हमें अपना इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और बता दीजिए कि वो कहाँ पे है। फिर वो इंसान उन सभी को एड्रेस बता देता है कि उसने कहाँ पे किसको देखा था, फिर वो सभी लोग वहाँ पे चले जाते हैं। फिर हम उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसने इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वो और कोई नहीं एनाकुन होता है। एनाकुन कहता है, अब मेरा काम हो गया, अब सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ही होगी, मिर्चो सुमेरे के पास चला जाएगा और फिर सारा प्लान सक्सेसफुल। मिर्चो जैसे ही होश में आएगा मैं उसे बहुत मारूंगा, मैंने उसकी वजह से बहुत काम किया है, उसकी यादाश्त एक बार वापस आ जाए पक्का मैं उसे धोने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं सुमेरे को जो वहाँ पे पहुँच जाती है और चीफ मिर्चो को ले जाने वाले ही होते हैं। असल में चीफ ने एक ऐसी जगह चुनी होती है जहाँ पे मिर्चो को कोई भी देख ना पाए उसे ले जाते वक्त। सुमेरे से चीफ बहुत ही कमज़ोर और धीमी आवाज़ में कहती है, चीफ प्लीज़ मत ले जाइए मिर्चो को, मिर्चो को कुछ भी याद नहीं अपने बारे में, मिर्चो वहाँ पर कैसे रहेगा, और वहाँ पे तो उसके इतने सारे दुश्मन हैं, वो सभी मिर्चो को मार देंगे और मैं दोबारा मिर्चो को खोना नहीं चाहती, प्लीज़ चीफ मिर्चो को यहाँ पे छोड़ दीजिए। चीफ कहते, नहीं मैं मिर्चो को छोड़ नहीं सकता, मिर्चो हमारा इम्पोर्टेंट मिशन का एक हिस्सा है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे माफ़ कर देना सुमेरे, मुझे इसे ले जाना ही होगा। तभी सुमेरे कहती है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तभी वहाँ पर मिर्चो का रोबोट कुछ लेके आता है और चीफ की तरफ फायर कर देता है। चीफ का सेट अचानक से काम करना ही बंद कर देता है। तभी सुमेरे कहते, तुमने ये कैसे किया? मिर्चो का रॉबर्ट कहते, मुझे भी नहीं पता मैंने ये कैसे किया, मुझे बस ये गिरा हुआ मिला और मैंने चीफ के ऊपर मार दिया। चीफ का परमानेंट सेट को क्या हुआ? फिर तभी हम देखते हैं सुमेरे की तरफ जितने भी सोल्जर्स होते हैं गन तान देते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे चीफ के साथ क्या किया, और वो सभी फायर करने को भी रेडी हो जाते हैं सुमेरे की तरफ, और सुमेरे ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। इससे पहले वो सभी लोग सुमेरे के ऊपर फायर करे, तभी वहाँ पे बीच में ना कोई आ जाता है, और वो कोई आम इंसान भी नहीं था, नहीं कोई जानवर था, वो असल में एक बंदर था, और वो कौन होगा तुम सब इमेजिन कर ही सकते हो। चीफ ने एक जंगल चुना होता है इसलिए वहाँ पे बंदर आने तय थे, पर वो और कोई नहीं भूबी था। सुमेरे कहती है, भूबी तुम यहाँ पे कैसे आए? भूबी उन्हें बताता है कि ये जंगल ही उसका घर है और वो यहाँ पे ही रहता था। पायन कहता है, मैंने तुम्हें इतना ढूंढा और मैं जंगल में नहीं आया, मैं यहाँ पे आया था फिर भी तुम मुझे नहीं मिले। भूबी कहता है, मिर्चो को लो और जाओ यहाँ से, मैं इन्हें रोक नहीं सकता। सुमेरे मिर्चो के पास जाती है लेकिन उससे पहले कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्होंने मिर्चो के ऊपर पहले से ही गन तान के रखी होती है। सुमेरे उन सभी से कहते, तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है ना, मिर्चो तो तुम्हारे प्लान का हिस्सा है तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अब सुमेरे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और लगभग रो भी रही होती है क्योंकि मिर्चो इस वक्त बहुत ही अजीब दिख रहा होता है, बहुत ही थका हुआ, बहुत ही हारा हुआ दिख रहा होता है, जैसे जीने की कोई इच्छा बची ही ना हो ऐसा दिख रहा होता है। सुमेरे मिर्चो से कहती है, देखो कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। और मिर्चो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरा दिख रहा होता है। सुमेरे मिर्चो के पास आती है और पायन उन सभी को पीछे ढकेलता है, बट वो ढकेल नहीं पाता क्योंकि वो सब एक सोल्जर्स थे और पायन एक नॉर्मल सा बच्चा था। फिर बाद में सुमेरे कहती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मिर्चो को यहाँ पे रहने देने में क्या जाएगा तुम लोगों का? चीफ कहते हैं, हम मिर्चो को यहाँ पे नहीं रहने दे सकते, क्या पता कोई और आ गया मिर्चो को मारने के लिए। तो सुमेरे कहते हैं, मिर्चो को कौन मारेगा यहाँ पे, आप लोगों को ही मिर्चो को ढूंढने में इतना टाइम लगा तो फिर उन लोग को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, मिर्चो यहाँ पे सेफ है बर्ड पैंट से ज़्यादा, आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे मेरी? फिर तभी अचानक से चीफ कहते हैं, ठीक है अगर तुम मिर्चो को अपने पास ही रखना चाहती हो तो मैं मान गया हूँ, मैं मिर्चो को यहाँ पे रहने दूंगा, लेकिन मिर्चो का ख्याल तुम्हें रखना होगा, और अगर एक बार मिर्चो की यादाश्त वापस आ जाए तो मिर्चो को वापस से बर्ड पैंट पे आना होगा, हम सभी को मिर्चो की ज़रूरत है। सुमेरे कहती, हाँ मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन मिर्चो जो चाहेगा मैं वही चाहूँगी, अगर मिर्चो आपके साथ जाना चाहेगा तो मैं उसे जाने दूँगी, मेरा वादा है आपसे। चीफ कहते, हाँ एक और बात, मैं इन सभी की यादाश्त मिटाने वाला हूँ, मिर्चो के बारे में सिर्फ तुम्हें, मुझे, आयनाकुन और किसी को भी पता नहीं होगा, मैं इन सभी की यादाश्त मिटा दूंगा जिन सभी को पता है मिर्चो के बारे में। सुमेरे कहती, पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इन सभी को पता रहने में क्या जाएगा? चीफ कहते, नहीं मैं और खतरा नहीं ले सकता, मिर्चो के पीछे ऑलरेडी बहुत से लोग लगे हुए हैं, मैं खतरा मोल नहीं ले सकता और तुम भी ऐसा नहीं करना चाहोगे। सुमेरे कहती, ठीक है फिर आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप वापस नहीं आएंगे ना मिर्चो को लेने के लिए जब तक उसकी यादाश्त वापस नहीं आती।
आप मुझे मेरी लाइफ में ऐसे ही रहने देंगे ना जैसे मैं हूँ अभी? शिव कहते हैं, जब तक मित्सु की यादाश्त वापस नहीं आती मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन अगर एक बार मित्सु की यादाश्त वापस आ गई तो मैं फिर वापस मित्सु को लेने आ जाऊँगा और उसके बाद तुम भी मुझे नहीं रोक सकते सुमेरे। सुमेरे कहते हैं, हाँ चीफ, फिर आप जो करना चाहे कर सकते, लेकिन मित्सु की भी मर्जी वहाँ पर रहेगी। शिव कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। फिर तभी चीफ सभी की यादाश्त मिटा देते हैं जिन सभी को मित्सु के बारे में पता होता है सिवाय तीन जन को छोड़ के, और वो तीन जन थे सुमेरे, चीफ और आयानुकुल। बाकी सभी की यादाश्त मिट जाती है और सभी को मित्सु के बारे में बस एक ही चीज़ पता होती है कि मित्सु अब मर चुका है। तभी पायन कहते हैं, सुमेरे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुमेरे कहती है, हम यहाँ पे बूबी को ढूंढने के लिए आए थे, बूबी मिल गया। तभी वो देखते हैं पीछे की तरफ तो बूबी वहाँ पे नहीं होता। पायन कहते हैं, बूबी कहाँ पे है सुमेरे, तुमने कहा बूबी मिल गया? सुमेरे कहती है, यहीं पे तो था, वापस लगता चला गया, मैंने उसे देखा था। तभी पायन कहता है, शायद फिर से वो चला गया, आखिर वो कब तक हमसे ऐसे भागता रहेगा? एक नए दिन वो मेरे पास ज़रूर आएगा वापस और मैं उसे बहुत मारूंगा तभी। तभी सुमेरे कहती है, मेरे बदले भी मार देना। फिर थोड़ी देर बाद मित्सु के रोबोट को भी होश आता है। पायन कहता है, तुम यहाँ पे बेहोश क्यों हो गए थे? मित्सु का रोबोट कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्यों बेहोश हुआ था। सुमेरे कहती है, शायद ठंड के मारे कुछ भी हो सकता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सुमेरे और मित्सु की शादी हो रही होती है। लेकिन शादी जब भी हो रही होती है सभी लोग अभी परेशान होते हैं और टेंशन में होते हैं, उससे ज़्यादा शॉक में होते हैं कि सुमेरे अचानक से ऐसे कैसे शादी कर सकती है। और सबसे ज़्यादा बर्डमैन होते हैं कि सुमेरे ने शादी कर ली और वो लड़का मित्सु भी नहीं है। बर्डमैन को ये बात हजम नहीं हो रही होती है। सुमेरे बाकी सभी से ग्रीटिंग लेती है, थैंक यू लेटर सब लोग देते हैं सुमेरे को, और यहीं पे सुमेरे और मित्सु की मैरिज खत्म हो जाती है। और मैरिज सीरीज भी, मुझे पता है मैंने इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा लंबा तो नहीं, छोटा ही, पर इसको मैंने बहुत ही जल्दी समाप्त भी कर दिया और बहुत ही छोटी छोटी डिटेल को इग्नोर भी किया है मैंने, मुझे माफ़ करना। अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय। इसका सीज़न 4 भी है बट वो बहुत ही देर बाद आने वाली है। ओके।